Hello everyone, my name is Sachin and welcome to the another video of MBBS Info. So this video is a continuation of our previous topic जो कि है हॉस्टल कैंपस ऑफ नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो अपनी पुराने वीडियोस में हमने आपको दिखाया गर्ल्स हॉस्टल एंड दी बॉयज़ हॉस्टल की हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और आपको हॉस्टल रूम्स के टूर भी दिए। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे प्रीमियम हॉस्टल। तो जो पहले दो हॉस्टल्स थे बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल वो फ्री हॉस्टल्स थे जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। सो अभी हम जा रहे प्रीमियम हॉस्टल में जो कि एक पेड हॉस्टल है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है जो कि हम आपको दिखाएंगे क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ और किस कारण वो पेड है। सो दिस वन इज़ द प्रीमियम हॉस्टल, ओवर देयर वाज द बॉयज़ हॉस्टल एंड ओवर देयर वाज द गर्ल्स हॉस्टल। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द प्रीमियम हॉस्टल। So this is against the guard room and over there is a sanitizer option, so let's sanitize our hands. So now we will show you. So this is one of the room of the premium hostel. So now let me show you the facilities which are provided in the premium hostel. So this one is a two-seater room. There is one bed over here and one bed over there. There is a study table and two chairs for individual students. And along with there are side tables with both of the beds, and the bed sheets and the pillows and the pillow covers are same as usual. So this is the bathroom and washroom. Let me on the lights. So यहाँ पे washroom है और साथ में यहाँ पे shower लेने के लिए है और ये पर्दा मतलब पानी जो है बाहर ना आए। और इसके साथ साथ जो है ये shower और साथ जो है mirror और wash basin भी है साथ में। तो premium hostel में जितने भी rooms है वो सभी rooms में attached kitchen, attached washroom और attached bathroom रहता है। और इसके साथ साथ रूम्स में मिनी फ्रिज भी है। अभी यहाँ पे मिनी फ्रिज नहीं रखा हुआ है, बाकी काफ़ी सारे रूम्स में मिनी फ्रिज अभी रखा हुआ है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्टल अभी नया ही बना है। सो अभी जैसे स्टूडेंट्स आ रहे थे तो अभी यहाँ पे क्वारंटीन कुछ स्टूडेंट्स का चलता था यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशियस रूम है तो सभी स्टूडेंट्स यहीं पे क्वारंटीन करते थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। सो अभी जो है अभी भी इसमें कुछ फैसिलिटीज़ ऐड करना बाकी है। जैसा मैंने आपको बताया मिनी फ्रिज, सो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको मिलती है, लेकिन ये पेड हॉस्टल है। अभी जो मैं जिस हॉस्टल में हूँ प्रीमियम हॉस्टल में ये एक पेड हॉस्टल है। जो मैंने आपको पहले हॉस्टल्स दिखाए थे फैसिलिटीज़ उन हॉस्टल्स में भी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस हॉस्टल की जो मेन खास बात है वो ये है कि अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम और इंडक्शंस ये सभी रूम में अटैच और सभी को इंडिविजुअली मिल जाता है। सो दिस इज द प्रीमियम रूम। अभी चलते हैं दूसरे रूम में। सो दिस इज अनदर रूम। ये है सिंगल सीटर रूम प्रीमियम हॉस्टल में। यहाँ पे एक बेड है, साथ में स्टडी टेबल, चेयर और सामने एक बड़ा सा मिरर भी लगा हुआ है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया प्रीमियम हॉस्टल में सभी में किचन एरिया एक सेपरेट रहता है जिसमें इंडक्शंस और वॉशिंग एरिया है। और साथ में जो है ये मिनी फ्रिज, तो इस रूम में वो मिनी फ्रिज सेटअप हो चुका है। बाहर मैंने आपको दिखाए थे ये मिनी फ्रिज सभी रूम्स में सेटअप होने हैं। सो ये फ्रिज है और माइक्रोवेव है और ऊपर जो सामान रखने की और जगह है जहाँ पर अपने यूटेंसिल्स और नीचे ग्रोसरीज वगैरह वो सब आप रख सकते हो। और इसके साथ साथ देयर इज अ स्टफ टॉय, ये आपको हॉस्टल मैनेजमेंट नहीं देती है। और इसके साथ एक लार्ज विंडो भी जहाँ अपना सामान भी रख सकते हो या फिर आप बैठ भी सकते हो। और साथ में कबर्ड है। अभी यहाँ पे क्योंकि एक गर्ल ऑलरेडी रह रही तो हम कबर्ड को आपको खोल के नहीं दिखाएंगे। और रूम के साथ ही वॉशरूम और बाथरूम भी अटैच्ड है। सो दिस इज़ दी वॉशरूम एंड बाथरूम। सो ये था सिंगल सीटर रूम प्रीमियम हॉस्टल का। सो मैंने आपको पहले 2 सीटर रूम दिखाया था और इसके अलावा 3 सीटर रूम्स भी अवेलेबल है। सो जितने भी रूम्स है प्रीमियम हॉस्टल में, सिंगल सीटर, 2 सीटर और 3 सीटर, इन सभी में फैसिलिटीज़ जो है वो सारी अवेलेबल है। जो रूम में फैसिलिटीज़ होती है जैसे कि स्टडी टेबल, चेयर, बेडशीट्स और बेड, अलमीरा, कबर्ड, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो रहती है। इसके अलावा जो सेपरेट फैसिलिटीज़ है प्रीमियम हॉस्टल में वो है आपका सेपरेट किचन एरिया जो कि रूम में इंक्लूड होता है, एक मिनी फ्रिज, साथ में अटैच्ड वॉशरूम और बाथरूम। सभी रूम्स में ये फैसिलिटीज़ प्रीमियम हॉस्टल वाले में अवेलेबल है। और ये जो प्रीमियम हॉस्टल है ये ऑफकोर्स पेड हॉस्टल है, बाकी जो मैंने आपको हॉस्टल दिखाए थे वो फ्री हॉस्टल्स है जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। बेडशीट्स भी जो है इस हॉस्टल में वो हॉस्टल मैनेजमेंट ही चेंज करता है एवरी सैटरडे और संडे, जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में बताया था। अगर आपको वीडियो फिर से देखनी है बॉयज़ हॉस्टल की और गर्ल्स हॉस्टल की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हो, वहाँ से आप जो और हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी के उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हो। हमने उनका भी टूर आपको दिया था और जो फैसिलिटीज़ उन हॉस्टल्स में अवेलेबल है वो हमने आपको दिखाई थी। सो दिस इज़ ऑल्सो द किचन। सो सभी रूम्स में इंडिविजुअली किचन तो है ही, इसके अलावा एक सेपरेट किचन रूम और है जिसमें कि और इंडक्शंस अवेलेबल है। सो अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडक्शंस अवेलेबल है। सभी इंडक्शंस पे 2 प्लेट्स है। सो सभी फ्लोर्स पे इंडिविजुअली किचन होने के बावजूद एक सभी फ्लोर्स पे सेपरेट किचन रूम भी अवेलेबल है ताकि इनके स्टूडेंट्स को कुकिंग करनी है तो हम यहाँ पे भी कुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पे वॉश बेसिन भी है। तो ये फैसिलिटीज़ जो है वो प्रीमियम हॉस्टल्स में रहती है। सो दिस इज़ दी वॉशिंग एरिया, लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पे आप अपने कपड़े धुलवा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारी ऑटोमेटिक मशीन्स रहती है, आपको सिर्फ इनमें अपने क्लोथ्स डालने हैं और क्लोथ्स इनमें सूख के ही निकलते हैं। आपको थोड़े से सुखाने होते हैं, उसके लिए स्टैंड्स अवेलेबल रहते हैं। सो 3 वॉशिंग मशीन्स है सभी फ्लोर पे जो है, वॉशिंग मशीन रूम सेपरेट अवेलेबल है। सो लेट मी शो यू आउटसाइड ऑल्सो। कपड़े धोने के बाद आप इस रूम में आ सकते हो, साथ में ये रूम है जहाँ पे आप कपड़े जो थोड़े से सूखने बाकी रह गए हैं वहाँ पे, यहाँ पे आप सुखा सकते हो। सो इन पे जो है आप अपने कपड़े भी जो है सुखा सकते हो। तो लॉन्ड्री रूम के साथ ही ये ड्राइंग एरिया सॉर्ट ऑफ रूम अवेलेबल है। सो दिस वन ऑल्सो इज़ अ 2 सीटर रूम एंड एक बेड यहाँ पे है, एक बेड यहाँ पे है और सेम जैसा प्रीमियम हॉस्टल में है कुकिंग फैसिलिटी है। ऊपर यहाँ पे चिमनी लगी हुई है और ऊपर ड्रॉर्स सामान रखने के लिए, और ये है रूम और इसके साथ साथ जो है अटैच्ड वॉशरूम और ये कबर्ड है। इसके साथ साथ जो है अटैच्ड वॉशरूम और बाथरूम भी है। So this is the washroom and over there it is bathroom where you can shower, and there is a mirror as well over there and a wash basin. So this is also one of the room of the premium hostel. So these are the mini fridge I was talking about. ये सभी अभी packed है और अभी सभी rooms में रखे जाएंगे। अकोमोडेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट क्योंकि आप यहाँ पे अपने 6 साल स्पेंड करने वाले हो, तो जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि आप में भी कंफर्टेबल जो स्टडीज़ है, मेडिसिन स्टडीज़ जो है वो आप आराम से कर सको। तो जो जो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होती है वो सभी NSMU हॉस्टल कैंपस प्रोवाइड करता है। जो जो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे कि ऑफ़ कोर्स जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती है, बेड्स, टेबल्स, कबर्ड्स, ये सारी फैसिलिटीज़ तो है ही। इसके अलावा लॉन्ड्री रूम, और अगर आपको पास टाइम कम है तो आप इंडियन मैस ज्वाइन कर सकते हो और आपको हॉस्टल में ही आपको फूड मिल जाएगा। अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, उसके लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। काफ़ी सारी इंडक्शंस अवेलेबल रहते हैं हॉस्टल किचन में। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल क्योंकि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और हॉस्टल यूनिवर्सिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।